हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर रीना। आज हम फ्रिज का कवर बनाएंगे। उसके लिए हमें कपड़ा लेंगे। ये मैंने ये वाला कपड़ा लिया है, इससे मैं बनाऊंगी फ्रिज का कवर। और इसकी लंबाई चौड़ाई हम देखेंगे। यहाँ से हम कपड़े की यहाँ से लंबाई लेंगे 22 इंच, और चौड़ाई हम ले लेंगे यहाँ से 40 इंच। 22 बाय 40 का हम ये पीस ले लेंगे, और इसी के साइज की हम फोम कट करेंगे। ये इस तरह से मैंने फोम ली है, और इससे कपड़े को मैं इस पर रखकर इसी के साइज की फोम को कट कर लूंगी। ऐसे अब हम नीचे लगाने के लिए अस्तर लेंगे, वो भी हम इसी के साइज का कट करेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे हम अस्तर को, क्योंकि ये हमारा सिलाई करते टाइम छोटा हो जाता है, इसलिए साइड से आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लें। ये यहां से ऐसे, और थोड़ा थोड़ा यहां से मैं कट कर दूंगी। ये ऐसी, ये मैंने इसी के साइड का अस्तर कट कर लिया है। अब हम सबसे पहले नीचे अस्तर को रखेंगे अपने, ये ऐसे, और इस पर फिर हम फोम रखेंगे अपनी, और फिर हम इस पर जो मेन फैब्रिक है हमारा वो रखेंगे। ये ऐसे, और अब हम इस पर बॉक्स बना लेंगे, सिलाई लगाएंगे यहां से ऐसे। पहले सीधी लाइंस लगाएंगे, और फिर हम इस तरह से सिलाई लगाकर क्विल्ट बनाकर इसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इस पर क्विल्ट बना लिए हैं, और इसे मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए, यहां से ये ऐसे मैंने बॉक्सेस बनाए हैं इसके ऊपर। ये मेरा तैयार हो गया। अब हम इस पर पॉकेट कट करेंगे। उसके लिए मैंने ये इसके साथ मैचिंग का कपड़ा लिया है, आप इसी के साथ का भी ले सकते हैं। मैंने ये वाला लिया है, और ये यहाँ एक इस तरफ हमारी पॉकेट लगेगी ऐसे, और एक हमारी दूसरी तरफ पॉकेट लगेगी ये इस तरफ ऐसे। ये दो हमें कपड़े चाहिए। इसकी चौड़ाई तो हम इसी के बराबर ही ले लेंगे ऐसे, और लंबाई मैं इसकी बताती हूँ आपको। ये यहां से 9 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है, और चौड़ाई है इसकी यहां से 22 इंच, वो भी हमारा 22 इंच था। 22 ले लेंगे, और 9 इंच इसकी हम चौड़ाई लेंगे, और यहां से ये दोनों हमने इसके बराबर ही कट करने हैं। ये दो पीस ले लेंगे। इसी के साइज की हम फोम ले लेंगे ये ऐसे, इसके साइज की भी। ये मैंने एक और फोम ले ली, और इसी के साइज का हम नीचे अस्तर लगाने के लिए इसी के साइज का ले लेंगे। इसका भी ये मैंने ले लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अस्तर को रखेंगे, इसके ऊपर हम फोम को रखेंगे, और इस पर हम मेन फैब्रिक अपना रखेंगे ऐसे, और इस पर भी हम क्विल्ट बना लेंगे। जैसे हमने उस पर बनाए हैं वैसे ही इस पर बना लेंगे, इस पर भी बना लेंगे। ये दो पॉकेट के लिए हम तैयार करेंगे इसे सबसे पहले। ये देखिए, मैंने दोनों पर क्विल्ट बना लिए हैं। अब हम इस पर निशान लगाएंगे, यहां से हम 7-7 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहां से भी ऐसे हमने निशान लगा लिए। अब हम इस निशान को मिला देंगे। इस पर हमने सिलाई लगानी है, ये हमारी पॉकेट बन जाएंगी 3। सिलाई लगाने के लिए मैंने ये एक स्ट्रिप ली है, इसे हम यहां से फोल्ड करेंगे, और इस तरफ से भी फोल्ड करेंगे। दोनों तरफ से हमने फोल्ड करना है, यहां से भी और इस तरफ से भी, ये ऐसे, और ये हम यहाँ बीच में ऐसे स्टिच कर देंगे। यहाँ ऐसे फोल्ड करके दोनों तरफ से यहां पर स्टिच कर देंगे, एक हम यहां पर स्टिच कर देंगे यही, और इस पर भी हम इसी तरह से 7-7 इंच पर निशान लगा लेंगे।
यहां भी ऐसे मिला देंगे। इस पर भी हम इसी तरह से यही वाली स्ट्रिप लगा लेंगे दोनों पर। ये देखिए, ये यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे इसे, इस लाइन जो है हमारी यहां रखेंगे और यहां से स्टिच करेंगे इसे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे और अब हम इस तरफ से भी इसे फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहां भी स्टिच करेंगे इसे। ये देखिए, यहां हमारी ये स्ट्रिप लग गई, इधर भी लगा लेंगे और दूसरे वाला है जो उस पर भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों पर ये स्ट्रिप लगा ली है। अब हम एक 2 इंच चौड़ी इस तरह से स्ट्रिप लेंगे और हम इसके उल्टी तरफ, एक तरफ हमने ये ऐसे यहां पर रखकर और यहां स्टिच करना है इसे। ये यहां ऐसे सीधा स्टिच करने के बाद अब हम इसे सीधा करेंगे और यहां से ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे और ये इसके ऊपर फोल्ड करके यहां भी सिलाई लगाएंगे। ये यहां पाइपिंग लगाने के बाद अब हम जो दूसरा पीस हमने इसी तरह से तैयार किया है उस पर भी हम इसी तरह से पाइपिंग लगा लेंगे। ये हमने एक तरफ ही लगानी है सिर्फ। ये देखिए, दोनों पर मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब हम अपना ये जो बड़ा पीस तैयार किया था हमने वो लेंगे और इस पर हम एक पीस को एक तरफ यहां रखेंगे और इसे यहां से तीनों तरफ से स्टिच कर लेंगे और यहां बीच में जो हमने ये स्ट्रिप लगाई हुई है इस पर भी हम दो दो सिलाई अच्छे से लगा लेंगे ताकि ये यहां से हमारी पॉकेट बन जाए ऐसे। पहले हम ये तीन तरफ से स्टिच करेंगे इसे। ये हमने तीन तरफ से स्टिच कर लिया, ये हमारा ऐसे है। अब हम इस पर भी सिलाई लगाएंगे यहां से। यहां से अच्छे से स्टिच कर लेंगे इसे। अब हम इसे वापस लेकर और यहां से भी एक बार और स्टिच कर लेंगे। देखिए, ये हमारी एक पॉकेट बन गई। अब हम यहां भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे और फिर जो दूसरा पीस है उसे हम यहां इस तरफ रखेंगे, इसे यहां रखकर, और यहां भी जैसे वो हमने स्टिच किया है तीन तरफ से स्टिच करके फिर बीच में से स्टिच कर लेंगे इसे भी। देखिए, मैंने दोनों तरफ ये अटैच कर लिया है। ये हमारी ऐसे ये 1, 2, 3 पॉकेट बनी है और 3 इस तरफ बनी है, 1, 2 और 3 ये ऐसे बन गई हमारी। ये हमने पाइपिंग वाला भाग ऊपर लगाना है, ये ऊपर की तरफ आना चाहिए हमारा। ये हमारा बन गया। अब हम ये इस तरह से एक लंबी स्ट्रिप तैयार करेंगे। ये 2-2 इंच चौड़ी है, ये मैंने 2 इंच चौड़ा कपड़ा कट करके और ये सभी को मैंने आपस में जोड़ लिया है और एक लंबी बना ली है ऐसे। अब हम इसे यहाँ उल्टा करेंगे
और इस ट्रिप को भी हम यहाँ ऐसे उल्टा रखेंगे, यहाँ ऐसे बीच में से, और इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ रखकर यहाँ से स्टिच करेंगे इसे। ये यहाँ तक स्टिच करके अब हम इसे ऐसे घुमा लेंगे और इसे भी ऐसे घुमा लेंगे, यहाँ ऐसे, यहाँ से ऐसे स्टिच करके यहाँ चारों तरफ स्टिच कर लेंगे इसे। ये हमारा यहाँ लास्ट जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं तक आ गया। ये हम इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर लेंगे यहाँ से, ये इसके ऊपर हमने ऐसे रखकर और यहाँ से लास्ट तक स्टिच करना है, ये ऐसे। ये हमने चारों तरफ लगा ली, अब हम इसे सीधा करेंगे और यहाँ पर ऐसे एक बार फोल्ड करके फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ स्टिच करेंगे। जैसे हमने यहाँ पाइपिंग निकाली थी ऐसे ही यहाँ पर पाइपिंग निकालेंगे, ये यहां से हमने ये ऐसे, ऐसे करके ऐसे करना। ये यहां से हमने ये ऐसे और इस तरफ से भी ऐसे फोल्ड करके और ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख देना है और यहां से ऐसे स्टिच कर लेंगे इसे। ऐसे ही हम अब ये चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे इसे यहाँ लास्ट तक। देखिए मैंने चारों तरफ पाइपिंग लगा ली है, ये हमारा फ्रिज कवर बनकर तैयार है। ये देखिए ये हमारा कवर बनकर तैयार है, ये हमारा ये ऐसे ऊपर ऐसे आएगा और ये पॉकेट हमारी ऐसे साइड में आएंगी, ये ऐसे, ये तीन यहाँ पॉकेट हो गई, तीन इस तरफ हो गई, ये ऐसे। देखिए देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है, ये ऐसे आप घर पर बना सकते हैं, बाजार से बहुत महंगे मिलते हैं ये, आप इसे घर पर बना सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।